स्टूडेंट्स नाउ वी आर गोइंग टू परफॉर्म फ्रिक्वेंसी एंडसेंटेज एनालिसिस इन एस पी एस एस लेट्स सी हाउ डू वी परफॉर्म दिस एनालिसिस विद दी हेल्प ऑफ दिस सॉफ्टवेयर जब आप अपना इंटरफेस खोलेंगे एस पी एस एस का और उसमें आपके पास आउट इनपुट व्यू जो है वो नज़र आ रही होगी आपके पास तो वहाँ पर आपने एनालइज में जाना है एनाल को जब आप क्लिक करेंगे तो उसमें डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स का टैब खुलेगा डिस्क्रिप्टिव डिस्क्रपटिव को जब आप क्लिक करेंगे तो इसमें आपने फ्रीक्वेंसी के टैब को क्लिक करना है इसके साथ साथ आप फ्रीक्वेंसी के साथ डिस्क्रिप्टिव्स का टैब भी इसके लिए, लिए इस्तेमाल कर सकते हैं ये दोनों टैब से आपका ये एनालिसिस हो सकता है तो आप यहाँ पर हम फ्रीक्वेंसीज के टैब के थ्रू इसको समझने की कोशिश करेंगे तो फ्रीक्वेंसी के टैब को जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाला डायलॉग बॉक्स ओपन होगा यहाँ पर वो आपसे पूछेगा कि कौन से ऐसे वेरिएबल्स हैं जिनका आप डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस करना चाह रहे हैं आपने जो वेरिएबल्स सेलेक्ट करने हैं वो सेलेक्ट करके आप क्लिक करेंगे तो वो यहाँ पर आ जाएंगे जैसे यहाँ पर मैंने जेंडर एज मंथली फैमिली इनकम और एजुकेशन का वेरिएबल लिया है और यहाँ पर ये मैंने ये ऑटोमेटिकली चेक होता है फ्रीक्वेंसी टेबल के लिए जब मैं यहाँ से वेरिएबल उठा के यहाँ ले आऊँगा तो आपके पास ओके okay का जो टैब है वो फंक्शनल हो जाएगा तो आपने ओके okay के टैब को यहाँ पे क्लिक करना है जब आप ओके okay के टैब को क्लिक करेंगे तो आपके पास ये जो टेबल है वो वेरिएबल वाइज बन कर आ जाएंगे एस में जब भी आप फ्रिक्वेंसी का एनालिसिस करते हैं तो फ्रीक्वेंसी के साथ परसेंटेज वैलिड परसेंटेज और कम्योलिटिव परसेंटेज भी साथ आती है तो फ्रीक्वेंसी जैसे हमारे पास जेंडर का वेरिएबल था तो उसमें उन्होंने बताया कि फीमेल और मेल की क्या फ्रीक्वेंसी है और उसकी परसेंटेज क्या है वैलिड परसेंटेज मींस टू दैट कि एग्जैक्ट परसेंटेज क्या है आपके डेटा में इसकी और कम्योलिटिव परसेंटेज क्या होती है कम्यूलेटिव परसेंटेज हर कैटेगरी के बाद जब आप ये दो कैटेगरीज की परसेंटेज को कम्यूलेट कर लेते हैं तो उसको हम कम्यूलेटिव परसेंटेज कहते हैं तो इस तरीके से आपका ये जो है डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस बेसिकली जिसमें आप फ्रीक्वेंसी एंड परसेंटेज़ काउंट करनी है वो हो जाता है एस में अब इसमें मेरे पास जो ये यह, यहाँ पर शो हो रहा है वो ए ए फॉर्मेट के मुताबिक ही हो रहा है क्योंकि मैंने इसकी कुछ कमांड सेट की हुई है ऐसी और मगर फिर भी मुझे इसके जब इसको प्रेजेंट करना है अपनी वर्ड फाइल में तो मैं उसमें से ये वैलिड का जो है टैब वो ख़त्म करूँगा ये दोनों परसेंटेज़ ख़त्म करूँगा और यहाँ से भी ये वेरिएबल का नेम हिटाऊंगा क्योंकि ये उसके टाइटल में आ जाएगा तो ये बेसिक तरीका है फ्रीक्वेंसी और परसेंटेज काउंट करने का थ्रू एस